Hi, welcome to Aarti Creation. So today we'll be making stretch canvas. How to make your own canvas boards at home using the canvas cloth only. ठीक है, तो उसके लिए हमको चाहिए piece of MDF, जितने size का आपको चाहिए वो. ये मुझे थोड़ा सा heavy work करना है तो हम 8 mm में ले रही हूँ. आप 6 mm भी ले सकते हो, आप hardboard भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. Then another thing and very important is a canvas cloth. I'm using a fine art quality canvas. You can use that or anyone else which you have. And another thing is Fevicol. ठीक है, ये Fevicol आप MR भी ले सकते हो. आपके पास मराइन है, कारपेंटर्स वुड ग्लू जो भी घर में बचा हुआ रहता है वो भी अगर है, दैट ऑल्सो यू कैन यूज हियर. अदर देन दैट सीजर एंड एनी थिंग लाइक अ रूलर और अ पट्टी, जिससे आप Fevicol को एकदम प्लेन कर सको बोर्ड के ऊपर, फॉर दैट रीजन ऑनली. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो ये MDF के ऊपर हम सबसे पहले लगाएंगे Fevicol. मेरे पास ये Fevicol मराइन रखा हुआ है, फर्नीचर के काम का बचा हुआ, तो आई एम यूजिंग दिस, जस्ट यूटिलाइजिंग दिस. और पतला अच्छे से, ताकि और एक्स्ट्रा पार्ट जो है हम वो निकालेंगे. ऐसे पूरा फैला लेंगे Fevicol, पूरे बोर्ड पे लगा लेंगे. एंड डोंट फॉरगेट टू, ये जो एजेस है, जो विड्थ है उसकी, MM जो बोलते हैं हम, वो विड्थ को भी आप Fevicol ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि हम कैनवस क्लॉथ जो है वो बैक साइड टर्न करने वाले हैं, तो वो प्रॉपर अच्छे से वहाँ पर चिपकना चाहिए इस विड्थ में भी, अदरवाइज बबल्स आ जाते हैं. ऐसे लगाने के बाद प्रॉपर यू विल नीड टू पीपल एटलीस्ट, क्योंकि बड़ा कैनवस है ये, 20x30 inches साइज का है. सो दो लोग अगर रहेंगे तो प्रॉपरली हो जाएगा, मतलब स्ट्रेच हो जाएगा ये प्रॉपरली. और ऐसे खींच के बिल्कुल प्रॉपर जगह देख के ऐसे स्ट्रेच कीजिएगा इसको अच्छे से, ताकत से थोड़ा. एंड कोशिश कीजिएगा कि कोई भी बबल ना आए. फिर ये ऐसे प्रॉपर जब हो जाए, एकदम स्ट्रेच हो जाए, उसके बाद इसको हम उठाएंगे धीरे से और ऐसे पलटा के उल्टा कर देंगे इसमें. ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये एक्चुअली थोड़ा सा क्लॉथ, पीस ऑफ क्लॉथ ज्यादा है. नॉर्मली आपने इतना ही रखना है सारी साइड से, 2 inch 1.5 inch एक्स्ट्रा सिर्फ, ज्यादा नहीं. अब हम ये जो कॉर्नर्स है इसके, इनको थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे पहले. आप ऐसे ही कट कर सकते हो अंदाजे से, एंड दिस साइड आल्सो. ठीक है, ऐसे हम चारों कॉर्नर्स कट कर लेंगे एंड देन आफ्टर स्टिकिंग करेंगे. See like this, every corner I have cut, you can see it here. ये देखिए ऐसे, ये corner L shape, सारी जगहों से हमने कट कर ली है, चारों corner से ये चार टुकड़े, और ये एक्स्ट्रा पीस जो था वो मैंने कट कर लिया है. सो आफ्टर दैट अब हम फिर से ग्लू लगाएंगे. आप कहीं भी लगा सकते हो, आप कैनवस पे लगाना चाहो कैनवस पे लगा लो, या
प्लाउ पे लगाना चाहो प्लाउ पे लगा लो, ऐसे हम रू लगाएंगे चारों साइड में। और फिर ये सारी साइड्स को ऐसे टाइट हाथ से उठा के प्रेस कर देंगे। सिर्फ थोड़ा सा ताकत के साथ एंड सी कैनवस इज रेडी। देख आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं पे भी बबल्स नहीं है, कुछ नहीं है। सो बबल फ्री कैनवस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डूइंग अ परफेक्ट पेंटिंग। ओके नाउ Now once you prepare your canvas, let it dry for at least 24 hours, जब तक कि completely सूख नहीं जाता, then only we'll do dressing on it. अगर नहीं, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप कार्बन पे जो ड्रेसिंग करोगे वो छपेगा ही नहीं इसके ऊपर। सो एट लीस्ट 24 आवर्स, वैसे मतलब आज अगर कैनवस बनाया तो कल आप बिल्कुल ड्रेसिंग कर सकते हो, ठीक है। सो फिर हम कल मिलेंगे जब हम इसके ऊपर पूरा ड्रेसिंग करेंगे। तब तक के लिए बाय।